जब इस सीरीज की ट्रेलर आई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि एक ही टॉपिक के ऊपर कितनी बार काम होगा। मतलब दाऊद इब्राहिम के ऊपर इससे पहले कई बॉलीवुड में फिल्म्स बन चुकी है और सभी लगभग अच्छी ही बनी है। क्या अलग होगा, क्या ऐसा ट्रीटमेंट होगा जो इस सीरीज़ को बाकी के जो कॉन्टेंट्स हैं उससे अलग बनाएगा। वेल दोस्तों, बात करेंगे अमेजॉन प्राइम की ब्रांड न्यू वेब सीरीज बम्बई मेरी जान को लेकर कि कैसा लगा ये शो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि मैं जब भी एक वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास एक नोटिफिकेशन जरूर पहुँच जाए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए दिन भर सिनेमा वर्ल्ड से जुड़े रहने के लिए। देखिए, ये जो शो है इसको लेकर यही कहना है कि ये एक अच्छा शो है। बट यस, देयर इज़ अ बट। अब मैं अच्छा शो कहा इसका मतलब ये नहीं कि ठीक ठाक शो है। अच्छा मतलब सच में अच्छा शो है, एंड आई रियली मीन इट। सबसे पहले मेरा जो डाउट था उसको लेकर कहूँगा कि इस शो का राइटिंग बहुत अच्छा है और राइटिंग में इंटेंशनली फैमिली डायनामिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। और यही वो चीज़ है जो इस शो को बाकी के जो कॉन्टेंट्स है उससे बिल्कुल अलग बना देता है। फैमिली के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट क्राइसिस बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। सिर्फ डायलॉग बेस्ड नहीं, एक्शंस और इंसिडेंट्स भी ऐसे कई सारे हैं जिससे इस चीज़ को क्लियरली समझाया जाता है। कैरेक्टर्स का आर्क, कैरेक्टर्स का एक्सप्लोरेशन, ये सब बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। इस शो की जान है के मेनन, मतलब बंदे ने लिटरली फोर डाला है। वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट, आपको कई दिनों तक याद रह जाएगा ये परफॉर्मेंस। मैं स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करूँगा, बस यही कहना है कि के मेनन का जो कैरेक्टर है उनको इसी तरीके से लिखा गया है कि एक जर्नी से गुजरता है ये कैरेक्टर। और जब एक कैरेक्टर एक जर्नी से गुजरता है उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलता है। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अचानक वो चेंज आ गया, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो वो आँखों को खटकेगा। बहुत ही बारीकी से उस चीज़ को पुल ऑफ किया गया है। देखिए, के मेनन किस लेवल का परफॉर्मर है ये तो मतलब सभी को पता है। बस यही कहना है कि सिर्फ एक्सप्रेशंस नहीं, उनके फिजिकल एक्टिंग इस शो के अंदर एक सीखने लायक चीज़ है। और उसको बराबर का साथ दिया है अविनाश तिवारी। अब परफॉर्मेंस सभी का ही बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ऐसा भी नहीं। ऐसा भी है कि किसी को स्पेस नहीं मिला, जैसे जिन्होंने हसीना का रोल प्ले किया, मतलब यहाँ नाम चेंज किया गया है, हसीना नाम नहीं है यहाँ, उनको ज़्यादा स्पेस नहीं मिला, उनको परफॉर्मेंस करने का मौका ही नहीं मिला। ये शो ब्रूटालिटी से भरपूर है, एक्शन सिक्वेंसेस बहुत रॉ है और मतलब दिल दहला देगा लिटरली। अगर आपको ऐसी रॉ एक्शंस देखना पसंद है तो ये सीरीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब इस शो के साथ एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम यही है कि इतनी बार इस टॉपिक पर फिल्म बन चुकी है कि जिन्होंने भी वो सब देखा है उनको पता होगा कि अब क्या होने वाला है, अब क्या आने वाला है। बस यही पे होता है गड़बड़, कोई भी सस्पेंस काम नहीं करता। लेकिन अगर आप शूट आउट एट बड़ाला, डी डे, हसीना पड़कर जैसी ये सब मूवी नहीं देखा है तो फिर आपको ये शो बहुत बहुत पसंद आएगा। बाकी आप बताइए कॉमेंट करके आपको कैसा लगा ये शो। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। जय सिनेमा।